नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमैरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो आइए शुरुआत करते हैं वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर यमन से। यमन में हूती लड़ाकों की बड़ी गतिविधि देखने को मिली है। हूती ने मिसाइल लॉन्च साइट को एक्टिवेट कर दिया है। अमेरिकी नेवी पर हमले की तैयारी की जा रही है। आज रात हूती अमेरिका में बड़ी जंग संभव है। अमेरिका के हमले के बाद भड़का हुआ है हूती। अरब सुलग रहा है। अमेरिका के हूती ठिकानों पर हमले से मिडिल ईस्ट में विश्व युद्ध की आशंका तेज हो गई है। पिछले 48 घंटे में 3 देशों पर हमला करके अमेरिका ने खुला चैलेंज कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर ईरानी प्रॉक्सी के हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। यही वजह है अमेरिका ने फ्रंट फुट पर आकर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। बाइडेन के ग्रीन सिग्नल के बाद बीती रात यमन के लिए तबाही लेकर आई, जिसके बाद ईरान का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा है। अब ईरान का आक्रमण तय करेगा कि मिडिल ईस्ट के रण में तबाही का कौन सा चरण शुरू होगा। इस बात की भी आशंका है कि कहीं ये जंग परमाणु युद्ध में ना बदल जाए। इतनी तबाही, इतना विध्वंस, यमन का इतना बड़ा आक्रमण कि पूरा यमन जल उठ। अल्लाहु अकबर। यमन में बीती रात करीब 11:30 बजे का वक्त था, तभी लाल सागर में हलचल तेज हो जाती है। टास्क फोर्स में शामिल युद्धपोत पर सायरन बजने लगते हैं। फिर 8 युद्धपोत से एक साथ कई फाइटर जेट मिसाइलों से लोड होकर यमन की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ मिनटों में ही यमन के कई शहरों से आग की लपटें उठने लगती हैं। जिन ठिकानों पर हमले किए जा रहे थे, अमेरिका के मुताबिक वो हूती के ठिकाने थे। बीती रात में हूती के 36 ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर डाला। हमले इतने विध्वंसक थे कि तेज आवाज से पूरा शहर थर्रा गया। ये यमन की राजधानी सना पर हुए हमले का वीडियो है, जिसमें एयर स्ट्राइक की आवाज साफ सुनी जा सकती है। बम बरसते रहे, टॉम हॉक मिसाइल से हूती के ठिकाने तबाह किए जाते रहे। हमलों की आवाज से लोग सहम गए थे। क्योंकि इतना बड़ा विध्वंस यमन में पहले नहीं हुआ था। सिर्फ सना ही नहीं, यमन में जहां जहां हूती के ठिकाने थे, अमेरिका और उसके साथ टास्क फोर्स में शामिल 7 देशों के फाइटर जेट ने कहर बरपाए। अमेरिका ने एक दिन पहले इराक और सीरिया में ईरान समर्थित गुटों पर हमले किए थे। कुछ घंटों बाद यमन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, यानी अमेरिका अब फ्रंट फुट पर आकर युद्ध लड़ रहा है। अमेरिका ने अपने इरादे जता दिए, जिससे अरब में हालात और गंभीर हो चुके हैं। विश्व युद्ध का अलार्म बज चुका है, बस ईरान का पलटवार बाकी। क्योंकि बाइडेन ने 2 दिन पहले ऐलान कर दिया था कि अब अमेरिका डिफेंसिव मोड में नहीं रहेगा, बल्कि वो ना सिर्फ हर हमले का बदला लेगा, इसके अलावा उन तमाम ठिकानों को तहस नहस कर डालेगा जहां से हमले किए जा रहे हैं।
यही वजह है कि अमेरिका ने इराक सीरिया के अलावा यमन में घुसकर एयर स्ट्राइक की। इस हमले को पिछले दो महीने में सबसे भयंकर बताया जा रहा है। हूती को इससे बड़ा नुकसान अभी तक नहीं हुआ। टास्क फोर्स ने 900 किलो विस्फोटक से हूती के ठिकानों को तहस नहस कर दिया। चौबीस फाइटर जेट लाल सागर से उड़े थे, जिसमें यूएसएस आइजनहावर से 10 F-18 ने उड़ान भरी थी, जो सना के पास हाल ही में शिफ्ट किया गया था। इसके अलावा हूती के वेपन डिपो को भी बम से उड़ा दिया गया, जिसमें ड्रोन और मिसाइल रखे गए थे। अमेरिका के पास टारगेट का ब्लूप्रिंट मौजूद था। क्योंकि हमले इतने सटीक थे कि अंडरग्राउंड स्टोरेज को भी तबाह कर दिया गया। इसके अलावा हूती के सर्विलांस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त करके अमेरिका ने लाल सागर में हूती के हमलों का हिसाब पूरा कर लिया। बीती रात यमन जल उठा। अमेरिका ने ताबड़तोड़ 48 एयर स्ट्राइक कर डाली। ये हूती पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला है। लाल सागर में मौजूद टास्क फोर्स ने लगातार 13 शहरों पर हमले किए, जिससे यमन थर्रा गया। लाल सागर से 8 देशों के फाइटर जेट उड़े और हूती के 36 ठिकाने ध्वस्त कर दिए। अमेरिका ब्रिटेन के टारगेट पर वो इलाके थे जहां हूती के ठिकाने थे। यमन की राजधानी में सना में हूती ठिकानों पर 13 हमले किए गए। इसी तरह हुदैदा पर 9 हमले किए गए, जबकि घामर पर 6 बार एयर स्ट्राइक हुई। ताइज में हूती के 7 ठिकानों पर तबाही मचाई गई, जबकि हज्जा पर 5 हमले करके हूती लड़ाकों को मार गिराया गया। इसी तरह अलबैदा पर 8 हमले किए गए। यमन पर ये हमले 8 देशों के फाइटर जेट ने किए, जो लाल सागर में मौजूद वॉरशिप से उड़े थे। उन 8 देशों के नाम हैं अमेरिका, ब्रिटेन, जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया और बहरीन के जेट भी इसमें शामिल थे। बहरीन में टास्क फोर्स का सेंटर भी मौजूद है। कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड के एयरक्राफ्ट ने हूती ठिकानों को तबाह कर दिया। अरब में विश्व युद्ध के आसार इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका के हमलों के बावजूद हूती रुका नहीं है, बल्कि हूती ने टास्क फोर्स के हमले के थोड़ी देर बाद ही पलटवार कर दिया। हूती ने लाल सागर में एंटी शिप क्रूज मिसाइल दागी, जिन्हें अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस आइजनहावर ने इंटरसेप्ट करके हमले को नाकाम कर दिया। इसके अलावा हूती ने हमले के लिए 12 ड्रोन भी भेजे, जिन्हें भी हवा में उड़ा दिया गया। यानी अमेरिका इस बात के लिए तैयार था कि हूती पलटवार जरूर करेगा। अमेरिका के हमले के बाद यमन आर्म फोर्स की तरफ से बयान भी जारी हुआ था, जिसमें यमन आर्म फोर्स के प्रवक्ता याहया सारी ने कहा, अमेरिका और ब्रिटेन के इन हमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। यमन फोर्स और देश के लोग फिलिस्तीन को समर्थन देना जारी रखेंगे। गाजा के लोगों के संघर्ष में हम हमेशा उनके साथ हैं। जो जुल्म उन पर यहूदियों की तरफ से किए जा रहे हैं, हम उसका विरोध करते रहेंगे। इसके अलावा हूती ने भी धमकी दी है कि अब हमले और तेज होंगे, पश्चिमी देशों को जवाब दिया जाएगा। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर हूती के पास इतनी हिम्मत कहां से आ रही है। इस बारे में अमेरिका का मानना है कि इसके पीछे ईरान है, जो हथियार भी दे रहा है और हमलों को कमांड भी कर रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले कुछ वक्त में ईरानी कमांडर यमन से हमलों को ऑपरेट कर रहे हैं। इसलिए आधी रात में यमन में जो विध्वंस हुआ, इसके लिए बाइडेन ने ग्रीन सिग्नल दिया था, जबकि ब्रिटेन पहले ही हमले की धमकी दे चुका था, क्योंकि लाल सागर में सबसे ज्यादा नुकसान ब्रिटेन के जहाजों को हुआ है। उधर मिडिल ईस्ट में अमेरिका की साख दांव पर आ गई है। यही वजह है पेंटागन से एक साथ इराक, सीरिया, यमन में ईरानी प्रॉक्सी संगठनों पर हमले का ऑर्डर दिया गया, जिससे अरब में विनाश का जलजला आ चुका है। अब ईरान के पलटवार से तय होगा कि युद्ध कितना खौफनाक हो सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आइए अब आपको बता देते हैं युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर क्या है। सीरिया में अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमला हुआ। इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने बेस पर 3 ड्रोन दागे। अमेरिका ने तीनों ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। बीते 48 घंटों से अरब के 3 देश दहल रहे हैं विध्वंसक बारूदी प्रहार से। सीरिया, यमन और इराक का कोना कोना थर्रा उठा है और इसकी वजह है अमेरिकी जंगबाजों की आसमानी स्ट्राइक। लेकिन अरब में जो बारूदी घमासान मचा है, अब उसमें दुनिया की एक और महाशक्ति एंट्री करने वाली है और जानते हैं वो कौन है। रूस। जी हाँ, अमेरिका ने सीरिया, यमन और इराक में ईरानी प्रॉक्सी को टारगेट किया, मगर इस हमले के बाद पुतिन एक्शन में है। वहीं ईरान भी वॉर रेडीनेस मोड में आ गया है। तो क्या अरब फटने वाला है महायुद्ध का लावा? सीरिया और यमन में महाशक्ति अमेरिका के महाविस्फोट ने पूरे अरब वर्ल्ड में खलबली मचा दी। यूएस स्ट्राइक के बाद ईरान और उसके प्रॉक्सी बौखलाए हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ रूस के प्रेसिडेंट पुतिन भी अब एक्शन मोड में आ चुके हैं। और आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही अरब के बैटल ग्राउंड में पुतिन पूरी ताकत के साथ एंट्री मार सकते हैं। बीते 48 घंटों में अमेरिका ने अरब के 3 देशों में तबाही मचा रखी। अमेरिकी बॉम्बर और लड़ाकू विमान ताबड़तोड़ अंदाज में बम, गोला बारूद और मिसाइलों से प्रहार कर रहे हैं। बस अमेरिका के इसी बारूदी ट्रेलर के बाद पुतिन एक्टिव हो चुके हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अमेरिकी हमले के बाद पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक की, अरब के 3 देशों में अमेरिकी हमले की निंदा भी की। अब पुतिन मुस्लिम देशों को एकजुट करने में लगे हैं। एक तरफ पुतिन पुख्ता रणनीति के साथ अरब में अमेरिका की घेराबंदी में जुटे हुए हैं। सुपर पावर के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट कर नया खेमा तैयार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी हमले से बौखलाए ईरानी प्रॉक्सी ने यूएस मिलिट्री बेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मसलन सीरिया में अमेरिकी बेस पर 2 मिसाइलों से अटैक हुए। इराक में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर भी बमबारी की गई। कताइब हिजबुल्ला और इस्लामिक रेजिस्टेंस ने हमला किया। जानते हैं ईरान समर्थित कताइब हिजबुल्ला और इस्लामिक रेजिस्टेंस ने हमले क्यों तेज किए? क्यों ईरानी प्रॉक्सी बदले की आग में सुलग रहे हैं? तो इसके पीछे की वजह है बीते 48 घंटों में सीरिया और इराक में मचाई गई प्रचंड तबाही। अमेरिका ने इराक और सीरिया पर विनाशक हथियारों के जरिए विध्वंसक तरीके से प्रहार किया।
आपको बता दें कि सीरिया और इराक में अमेरिका ने करीब 85 से ज्यादा टारगेट तबाह किए। अमेरिकी बॉम्बर और लड़ाकू विमान ने सीरिया और इराक में करीब 125 से ज्यादा मिसाइलें और अनगाइडेड बम दागे। सीरिया में हुई अमेरिकी स्ट्राइक में जहां 23 लोग मारे गए, तो वहीं इराक में अमेरिकी हमलों में करीब 19 लोगों की मौत हुई। यूएस ने इराक और सीरिया में ईरान के समर्थन से चलने वाले मिलिशिया गुटों को टारगेट बनाया। कताइब हिजबुल्ला और उसके सहयोगी संगठनों के कमांड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह किया गया। इसके साथ ही वो ड्रोन लॉन्च सेंटर भी टारगेट किए गए जहां से अमेरिका के अरब सैन्य बेस पर ड्रोन हमले किए जाते थे। अमेरिकी बॉम्बर और लड़ाकू विमानों ने कताइब रेजिस्टेंस फोर्सेस के रॉकेट और मिसाइल गोदामों पर बमबारी की। जिस अंदाज में सुपर पावर अमेरिका ने तबाही मचाई, जिस अंदाज में इराक और सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी गुटों के ठिकानों को तहस नहस किया, उसके बाद से ही ईरान भड़का हुआ है। ईरान की तरफ से अमेरिका को साफ साफ चेतावनी भी जारी की गई है, वो ये कि इराक, सीरिया और यमन पर हमला कर अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इसका अंजाम अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। जब तक हम बदला नहीं लेंगे तब तक जंग जारी रहेगी। वैसे तो ईरान और अमेरिका के बीच अदावत दशकों पुरानी है, मगर गाजा युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि किसी भी वक्त खाड़ी में ईरान और अमेरिका के बीच आर पार की जंग हो सकती है। और इसी बीच जिस तरह से अमेरिका ने यमन, सीरिया और इराक में स्ट्राइक की, उसके बाद तो आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त अरब में महायुद्ध का आगाज हो सकता है। क्योंकि ईरान ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर कर दिया है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट हो चुके हैं। ईरान ने बॉर्डर बैलिस्टिक मिसाइलें भी तैनात की हैं। वहीं ईरानी प्रॉक्सी को भी हथियारों की सप्लाई की गई है। दरअसल ईरान को आशंका है कि सीरिया, इराक और यमन को तबाह करने के बाद अमेरिका का अगला टारगेट ईरान होगा। किसी भी वक्त ईरान पर अमेरिकी बॉम्बर या फिर लड़ाकू विमान हवा बोल सकते हैं। बस इसी खतरे को वक्त से पहले भांपकर ईरान वॉर रेडीनेस मोड में आ चुका है और अमेरिकी हमले का पलटवार करने के लिए अपने विध्वंसकों को वॉर जोन में झोंक दिया है। मतलब ये कि अब अमेरिका की तरफ से कोई प्रहार हुआ तो अरब में महायुद्ध का आगाज हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन जंग के लिए कुलबुला रहे हैं, तो वहीं पुतिन ने भी अरब में एंट्री मारने के संकेत दे दिए, जिसका मतलब यह है कि अरब वर्ल्ड फिर एक ऐसे बैटल फील्ड में तब्दील होगा जहां बम, गोला बारूद के साथ एटमी हथियारों का भी इस्तेमाल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, डोनेस्क में रूसी सेना की भीषण बमबारी। रूस के हमले में 85 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। हमले में यूक्रेन का रडार सिस्टम भी तबाह हो गया। यूक्रेनी धरती पर रूस के हवाई हमले तेज हो गए।
रूसी सेना ने सिर्फ डोनेस्क में ही वज्रपात नहीं किया बल्कि यूक्रेन के 8 शहरों को जला दिया। आधी रात को जल थल और नभ से बमबारी हुई और इसी के साथ यूक्रेन में सबसे बड़ा सैन्य संहार हो गया। रूस जिस तरह से आघात कर रहा है उससे यूक्रेनी सेना हार की कगार पर पहुंच गई है। तो सवाल यही है कि क्या अब ज़ेलेंस्की की फौज सरेंडर करने वाली है? क्या यूक्रेन की हार की वजह ज़ेलेंस्की सेना की वो गलती बनेगी जो उसने 10 दिन पहले की थी? रूसी सेना इस वक्त ऐसी बारूदी बारिश कर रही है कि यूक्रेन की धरती जल रही है। पुतिन आर्मी यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर भीषण हमले कर रही है। यह उस हमले का परिणाम है जिसे यूक्रेनी सेना ने 10 दिन पहले अंजाम दिया था। यूक्रेनी हमले में रूस का ट्रांसपोर्ट विमान जल गया था। इसी के बाद से पुतिन ने अपनी सेना को सबसे बड़ा प्रतिशोध लेने का हुक्म दे दिया था। पुतिन के आदेश के साथ ही यूक्रेन का अंतकाल शुरू हो गया। रूसी सेना यूक्रेन की धरती पर एक साथ कई मोर्चों पर भीषण बमबारी कर रही है। रूसी फौज ने एक हफ्ते के अंदर जिस तरह से हमला किया है उससे यूक्रेन की कमर टूट गई है। रूसी सेना के टारगेट पर न सिर्फ यूक्रेनी सेना के पोजीशन है बल्कि रूस यूक्रेन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक इमारतों को तहस नहस कर रहा है। रूस के हमले में न सिर्फ यूक्रेन की सेना कमजोर हो गई है बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था भी ध्वस्त हो गई। रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में रूस की सेना ने यूक्रेन के 127 सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें यूक्रेन के मिलिट्री बेस, एयरबेस, हथियार डिपो और हथियार फैक्ट्रियां शामिल हैं। रूसी प्रहार से यूक्रेनी सेना हार की कगार पर पहुंच चुकी है। यूक्रेन के पास ना तो जंग लड़ने के लिए सैनिक है ना ही हथियार। ऊपर से पुतिन पलटन का बारूदी वज्रपात हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। एक हफ्ते से रूसी सेना ने 7 फ्रंट पर इतना बारूद बरसाया कि यूक्रेनी सेना के ठिकानों के परखच्चे उड़ गए। रूस के हमले में 7 दिन के अंदर यूक्रेनी धरती पर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य संहार हो गया है। यूक्रेन के हजारों सैनिक खत्म हो चुके हैं। पिछले 7 दिनों में रूसी फौज ने यूक्रेन में जिस तरह के हमले किए हैं उससे यूक्रेन में बहुत बड़ा सैन्य संहार हो चुका है। रूसी सेना के ऑपरेशन में लीमन में 1825 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। डोनेस्क में 2245 यूक्रेनी जवान खत्म हो चुके हैं। कुपियांस्क में यूक्रेन के 750 फौजी मारे गए हैं। ज़ापोरिज़्या में 385, खेरसोन में 290, सुमी में 340 और क्रिवरी में 700 यूक्रेनी सैनिक खत्म हो चुके हैं। इस तरह से सिर्फ एक हफ्ते में फ्रंट लाइन पर तैनात यूक्रेन के 6000
500 से ज्यादा सैनिकों का खात्मा हो चुका है। रूसी सेना का यही वो आघात है जिससे यूक्रेनी फोर्स की कमर टूट गई है। अगर रूस के हमले इसी तरह जारी रहे तो अगले कुछ दिनों में यूक्रेनी सेना रूसी फौज के सामने हथियार डालने को मजबूर हो जाएगी। चौबीस घंटे में रूस ने जिस तरह से विस्फोट किया है उससे यूक्रेन में शहर शहर त्राहिमाम मच गया है। डोनेस्क से लेकर जेपोरिजिया तक, लीमन से लेकर खेरसोन तक विनाश का बहुत ही भयावह मंजर नजर आ रहा है। लीमन में रूसी सेना ने यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर हेलीकॉप्टर से बमबारी की। यहां एक दिन के अंदर ही 270 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। डोनेस्क में रूस की वज्रपात से 24 घंटे में 190 यूक्रेनी जवान खत्म हो गए। पोल्तोवा में रूसी सेना ने यूक्रेन के हथियार गोदाम को जलाकर राख कर दिया। खेरसोन में रूस की टैंक ब्रिगेड ने यूक्रेनी सेना की फ्रंट लाइन के साथ साथ उसके हथियार डिपो को भी तबाह कर दिया। बाखमत में रूस ने बम वर्षा कर यूक्रेनी सेना की एक यूनिट को खत्म कर दिया। सुमी में रूस ने यूक्रेनी सेना के ग्राउंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़ी इमारतों को मलबे में बदल दिया। यूक्रेनी धरती पर रूस का विस्फोट इसलिए विध्वंसक हो गया है क्योंकि यूक्रेनी सेना की गुनाही साबित हो गई है। यूक्रेनी हमले में रूस का जो IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान तबाह हुआ था, फ्रांस ने उसकी जांच की। फ्रांस की एजेंसियों की जांच में खुलासा हुआ है कि यूक्रेन ने विमान पर अमेरिकी पेट्रियट मिसाइल से हमला किया था। इस खुलासे के साथ ही रूसी सेना ने यूक्रेन का संहार करना शुरू कर दिया है। पुतिन ने बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर रूस पर नाटो के हथियारों से हमला हुआ तो रूसी सेना यूक्रेन के वजूद को मिटा देगी। पुतिन ने जो कहा था उनकी सेना वही कर रही है। रूस के हमले से ऐसा लग रहा है कि रूसी विमान की तबाही यूक्रेन के सर्वनाश का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डोनेस्क में यूक्रेनी सेना ने पलटवार किया। 24 घंटे में यूक्रेन ने 30 बार हमले किए। हमले में रूस के 3 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। हमले में रूस के 2 टैंक भी खत्म हो गए हैं। रूसी धरती पर यूक्रेन के छापामार हमले बढ़ते जा रहे हैं। रूस के इलाकों में यूक्रेन के छापामार हमले पुतिन के लिए बड़ी टेंशन बन गए हैं। विध्वंसक ड्रोन हमलों से यूक्रेन ने हाल ही में क्रेमलिन को कई बार दहलाया है। कहा जा रहा है कि पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मदद बंद होती जा रही है। ऐसे में जेलेंस्की छापामार हमले करके आखिरी दांव चल रहे हैं, लेकिन पुतिन के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से यूक्रेन के बहुत कम ड्रोन हमले ही कामयाब हो रहे हैं। सवाल है कि क्या छापामार हमलों से यूक्रेन हार के संकट को ज्यादा देर तक टाल पाएगा। रूस पर यूक्रेन का पलटवार विध्वंसक होता जा रहा है। यूक्रेन की जमीन पर जो जंग चल रही है वहां भी जेलेंस्की की फौज ने गुरिल्ला हमले तेज कर दिए हैं।
दूसरी तरफ रूसी धरती पर भी यूक्रेन ने तबाही को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जिसका अंजाम बहुत भयावह दिख रहा है। रूसी जमीन पर उठती लपटों का यह बवंडर इस बात का संकेत है कि यूक्रेन अपने गुरिल्ला हमलों से रूस के अंदर विध्वंस मचाना चाहता है। यूक्रेन ने रूस के वोल्गोग्राद में ऑयल रिफाइनरी पर हमलों में ड्रोन का इस्तेमाल किया जिसके बाद रूस की यह ऑयल रिफाइनरी खाक हो गई। वोल्गोग्राद तेल रिफाइनरी रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है। ये गैसोलीन, डीजल और विमान ईंधन का उत्पादन करती है। इसी के साथ यूक्रेन अब तक रूस के 7 ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर चुका है। रूसी धरती पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों से ये साफ दिखने लगा है कि जेलेंस्की की सेना पुतिन की फौज को गुरिल्ला हमलों की लपटों में उलझाना चाहती है। वोल्गोग्राद के साथ ही यूक्रेन ने रूस के ब्रियांस्क और रोस्तोव में भी ड्रोन हमले किए लेकिन रूस ने अपने एयर डिफेंस से यूक्रेन के ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि पिछले एक हफ्ते में यूक्रेन के 423 ड्रोन हमलों को इंटरसेप्ट किया गया। बेलगोरोद में यूक्रेन के 4 ड्रोन नष्ट किए, वोल्गोग्राद में 2 यूक्रेनी ड्रोन और रोस्तोव में 1 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। वहीं शनिवार को ब्रियांस्क में हुए हमलों में रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेन के 2 ड्रोन को नाकाम कर दिया। रोस्तोव के गवर्नर ने दावा किया कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों में रूसी धरती पर कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन इसी बीच यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले लुहांस्क के लिसिचांस्क में एक बेकरी पर भी भीषण हमला किया। दावा किया जा रहा है कि रूसी कब्जे वाली जमीन पर इस बेकरी पर हुए हमले में यूक्रेन ने हाईमार्स मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया जो अमेरिका का ताकतवर हथियार माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लिसिचांस्क में बेकरी पर हुए हमले में 28 से ज्यादा मौत हुई। हमले के समय बेकरी में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। हमले के बाद कई लोग बेकरी के मलबे में दब गए। रूसी धरती पर पिछले 48 घंटों में यूक्रेन के ताबड़तोड़ गुरिल्ला प्रहार से रूसी खेमे में हड़कंप मच गया है। यूक्रेन के पास हथियारों की भारी कमी हो गई है लेकिन हार से बचने के लिए जेलेंस्की की सेना हर दांव चल रही है। रूसी जमीन पर यूक्रेन के काउंटर अटैक के बारूदी हलचल के बीच एक और खबर ने रूसी सेना में सनसनी मचा दी। यूक्रेन के हमले में रूसी बॉम्बर का कमांडर मारा गया जिसे रूसी सेना के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। मेजर ओलेह स्टेगाचेव एंग्लिस एयरबेस पर रूस के TU-95 बॉम्बर के क्रू कमांडर थे। रूसी सेना को इतने बड़े नुकसान और रूसी धरती पर यूक्रेन के लगातार काउंटर अटैक से पुतिन बुरी तरह से भड़क गए हैं। पुतिन की सेना यूक्रेन की धरती पर बड़ा विनाश ला सकती है। उधर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से यूक्रेन को हथियार ना मिलने से जेलेंस्की की टेंशन काफी बढ़ गई है। इस बौखलाहट में जेलेंस्की की सेना ने रूसी जमीन पर गुरिल्ला प्रहार बढ़ा दिए हैं। यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन को हथियारों की डिलीवरी पर कोई फैसला नहीं लिया है। उधर अमेरिका में भी यूक्रेन को अतिरिक्त सहायता दिए जाने को लेकर गतिरोध बना हुआ है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि पश्चिम से मदद न मिलने से जेलेंस्की के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है।
उनकी सेना के पास रूस पर गोरिल्ला हमलों के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हाल ही में युद्ध के हालात का जायजा लेने के लिए यूक्रेन की सेना के कमांडर इन चीफ वालेरी जालुजनी फ्रंट लाइन पर भी पहुंचे और हालात के बारे में ज़ेलेंस्की को जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमास और हिजबुल्ला के खात्मे के लिए नेतन्याहू ने नई रणनीति बनाई है। अब इसराइल एक साथ हमास और हिजबुल्ला पर हमले करेगा, इसके अलावा दूसरे ईरानी प्रॉक्सी गुटों पर भी एयर स्ट्राइक करेगा, यानी तबाही एक नया दौर शुरू होने वाला है। इसके लिए इसराइल ने कई बड़े फैसले लिए हैं। आखिर क्या है इसराइल का नया ब्लूप्रिंट, इस रिपोर्ट में आप भी जानिए। विराम को लेकर डील लटकी हुई, इसराइल करीब करीब शर्त मान चुका है, लेकिन हमास हर बार नई शर्तें बता रहा है। ऐसे में इसराइल ने ठान लिया है कि वो अब फाइनल प्रहार करके हमास का संपूर्ण अंत करके ही दम लेगा। इसके लिए इसराइल ने जो तैयारी की है वो समझिए। इसराइल हमास और हिजबुल्ला पर एक साथ एयर स्ट्राइक करेगा। इसके लिए इसराइल ने ग्राउंड फोर्स को बदला है, गाजा से 5वीं ब्रिगेड को बुलाकर नई सेना भेजी, लेबनान बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी, फरवरी में ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी। जिससे एक साथ दोनों दुश्मनों का काम तमाम किया जा सके, क्योंकि इसराइल अभी भी लंबी जंग लड़ सकता है। लेकिन हमास और हिजबुल्ला इतनी लंबी जंग नहीं लड़ सकते, वो काफी कमजोर हो चुके हैं। इसलिए इसराइल ने उन तमाम ठिकानों पर अटैक शुरू किए हैं जहां हमास और हिजबुल्ला के टॉप कमांडर छुपे हुए हैं। ये खान यूनिस से आई तस्वीरें हैं जहां हमास के सीनियर कमांडर को मारने के लिए एयर स्ट्राइक की। इसके अलावा साउथ लेबनान पर भी इसराइल ने बमबारी करके हिजबुल्ला ठिकानों को तबाह कर दिया। इसी बीच इसराइल ने दक्षिणी गाजा पर भी कहर बरपाया हुआ है। एयर स्ट्राइक में 2 बच्चों की भी मौत हो गई। IDF ने रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया था। हमले में कुल 15 लोग मारे गए, जबकि दक्षिणी गाजा में पिछले एक दिन में 92 लोगों की मौत हो गई। से डरकर लोग राफा बॉर्डर पर इकट्ठा हो रहे हैं, जिससे आगे रास्ता नहीं, इसलिए वहां भीड़ बढ़ने से हालात काफी खौफनाक हो चुके हैं। इस बीच इसराइल ने नया ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, जिसमें वो हमास हिजबुल्ला के अलावा दूसरे ईरानी प्रॉक्सी संगठनों पर भी हमला करेगा। यानी इसराइल हर कीमत पर अपने दुश्मनों को खत्म कर देना चाहता है, इसलिए दोबारा से युद्ध की बड़ी तैयारी की जा रही है।
क्योंकि इसराइल ये समझ चुका है इतने दुश्मनों को खत्म करने में वक्त लगेगा, युद्ध लंबा चलेगा। इसी के तहत नया ब्लूप्रिंट बनाकर अगले हमले किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। वैगनर ग्रुप जो दशकों से रूस के लिए जंग लड़ता है, पुतिन के लिए अपना बलिदान देता आया है, अब उसी वैगनर ग्रुप को पुतिन ने साइडलाइन कर दिया है। वैगनर की जगह अफ्रीकी लड़ाकों की फौज तैयार की गई है जो न सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ेगी बल्कि इसके साथ साथ वैगनर के सैन्य साम्राज्य की भी देखभाल करेगी। आखिर क्यों पुतिन ने बदली युद्ध नीति, देखिए इस रिपोर्ट। अब तक यूक्रेन के खिलाफ बैटल ग्राउंड में वैगनर लड़ाके तबाही मचा रहे थे। पुतिन के एक इशारे पर यूक्रेनी सैनिकों का खून बहा रहे थे, बाखमुत से खेरसोन तक के इलाके में बारूदी कोहराम मचा रहे थे। मगर अब पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध नीति में बदलाव किया है। पीएमसी वैगनर की जगह अफ्रीकन लड़ाकों की फौज तैयार कर वॉर जोन में उतारने की तैयारी की जा रही है। रूसी डिफेंस की तरफ से एक जानकारी सामने आई है जिसके मुताबिक रूसी डिफेंस अफ्रीकन लड़ाकों की फौज तैयार करेगा, यूक्रेन के खिलाफ अफ्रीकन ब्रिगेड को युद्ध में भेजेगा। अफ्रीकी लड़ाकों की फौज वैगनर को रिप्लेस करेगी, वैगनर के सैन्य साम्राज्य पर अफ्रीकन आर्मी कंट्रोल करेगी। पहले रूस के खिलाफ वैगनर की बगावत और उसके बाद वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत। इन दो घटनाओं के चलते पीएमसी की ताकत और दबदबा कम होता जा रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि वैगनर लड़ाके अब युद्ध लड़ने को भी तैयार नहीं है, लिहाजा पुतिन ने वैगनर को रिप्लेस करने का मन बनाया और वैगनर की जगह अफ्रीकन फाइटर्स की फौज तैयार करने का ऑर्डर दे दिया। दावा किया जा रहा है कि पुतिन की अफ्रीकन ब्रिगेड वैगनर लड़ाकों से भी ज्यादा खूंखार और घातक है। दुश्मन पर घात लगाकर हमला करना, हर हाल में उसको तबाह करना, यह अफ्रीकन लड़ाकों की सबसे बड़ी खूबी है। लिहाजा रूसी डिफेंस ने अफ्रीकन लड़ाकों की ब्रिगेड को ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अफ्रीका में मौजूद जिन गोल्ड माइंस का जिम्मा वैगनर के पास था, अब पुतिन की नई अफ्रीकन ब्रिगेड उस पर भी कंट्रोल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। उत्तर कोरिया बार बार मिसाइल परीक्षण करके अपने दुश्मनों को डरा रहा है। किम ने एक महीने के अंदर लगातार कई मिसाइल टेस्ट किए हैं जिससे विश्व युद्ध की ग्लोबल दहशत बढ़ती जा रही है। सवाल है कि उत्तर कोरिया का सुप्रीम लीडर लगातार न्यूक्लियर शक्ति परीक्षण क्यों कर रहा है? क्या इसके पीछे पुतिन की एटमी साजिश है? क्या किम और पुतिन आने वाले दिनों में कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि किम ने न्यूक्लियर हथियारों से लैस युद्धपोतों के निर्माण को बढ़ावा देकर दुनिया को हैरान कर दिया है।
न्यूक्लियर ब्लास्ट का खाका किम ने खींच लिया है। अपने दुश्मनों को दहलाने के लिए किम ने विध्वंसक तैयारी की। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग ने पूर्वी शिपयार्ड में नए युद्ध पोतों के निर्माण का निरीक्षण किया। किम की इन गतिविधियों से न सिर्फ कोरियाई प्रायद्वीप बल्कि अमेरिका में भी दहशत बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्वी शिपयार्ड में नए युद्ध पोतों के निर्माण का निरीक्षण करते हुए किम ने अपनी नौसेना को मजबूत करने पर जोर दिया। उत्तर कोरिया परमाणु सशस्त्र नौसेना बनाना चाहता है, ऐसे में किम ने युद्ध पोत परियोजना को उत्तर कोरिया के लिए जरूरी बताया। नम्फो में शिपयार्ड का यह दौरा जनवरी के आखिर में हथियारों के प्रदर्शन के बाद हुआ। हथियारों के प्रदर्शन के दौरान पनडुब्बियों को लॉन्च करने के साथ साथ नई क्रूज मिसाइलों का परीक्षण भी किया गया था। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हाल के दिनों में उत्तर कोरिया, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की ओर से बढ़ते खतरों का मुकाबला करने के लिए किम को न्यूक्लियर हथियारों से संपन्न नौसेना की जरूरत है। और अब उस दावानल की रिपोर्ट जिससे न सिर्फ जंगल भस्म हो रहे हैं बल्कि 1000 से ज्यादा घर भी राख हो चुके हैं। जंगल की आग शहर तक पहुंच चुकी है, दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है, आसमान में लपटें और धुआं है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि पूरे देश में आपातकाल लग गया है। जंगल जल रहे हैं, जमीन जल रही है और इसी के साथ जीवन जल रहे हैं। पहाड़ धधक रहे हैं, पेड़ पौधे भस्म हो रहे हैं, हरियाली राख हो रही है। दुकान जल रहे हैं, मकान खत्म हो रहे हैं, हजारों जान संकट में है। ये वो दावानल है जो साउथ अमेरिकी देश चिली में भड़की है। जंगल में लगी इस आग की वजह से चिली में अमंगल है। चिली के आसमान में अब सिर्फ लपटें और धुआं भरा हुआ है। सांस लेना मुश्किल हो गया है, लोगों का दम घुट रहा है। बहुत ही डरावना मंजर है। जंगल के आसपास रहने वाली बड़ी आबादी जान बचाने के लिए घर बार छोड़कर भाग चुकी है। जो लोग अब तक नहीं जा पाए थे अब वो भी भाग रहे हैं। इस दावानल की वजह से 46 लोगों की जान जा चुकी है, दर्जनों लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। आसपास मौजूद घर भस्म हो रहे हैं। चिली सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक आग में अब तक 1000 से ज्यादा घर भस्म हो चुके हैं। फायर फाइटर और आग में युद्ध चल रहा है। हेलीकॉप्टर से आग को शांत करने की कोशिश हो रही है लेकिन आग और भी भड़कती जा रही है। ये आग इस वक्त चिली के बहुत बड़े भूभाग में फैल चुकी है। चिली में आपातकाल लागू हो गया है। ये आपातकाल कब और कैसे खत्म होगा इस बारे में फिलहाल अभी कुछ कहना संभव नहीं है।